शादी का झांसा देकर झांसा राम ने कई बार लूटी एक युवती की इज्जत। धोखा मिलता देख युवती ने पुलिस में की शिकायत। शिकायत के बाद चला उस झांसा राम पर पुलिस का चाबुक। बंद हुई झांसा राम की दुकान। कोर्ट ने जब भेजा जेल के अंदर, जेल से बेल पर बाहर आते ही उस झांसा राम ने फिर पीड़ित युवती से किया संपर्क। कुछ साक्षीदारों के समक्ष फिर रखा उस युवती के सामने शादी का प्रस्ताव। केस वापिस लेने के लिए बनाया उस पर प्रेशर। पीड़ित युवती को हवस के उस पुजारी ने लिखित में दिया आश्वासन, जिसके बाद पीड़िता से हवस के उस पुजारी ने कई बार बारी बारी से किया रेप। जब हवस के इस पुजारी का भंडा फूटा, झांसाराम की शादी की जानकारी पीड़िता को लगी, तो पीड़िता जहां पहुंची पुलिस की चौकट, किंतु पुलिस ने पीड़िता को धुतकारा। क्या है ये पूरा मामला? कौन से पुलिस थाने फिरियाद देने गई थी युवती? देखिए हमारी इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, पोर्टल हो या फिर न्यूज चैनल, आए दिन आपके सामने नए नए खबरें परोसते रहते हैं, जिसमें मिर्च मसाला भी अच्छा खासा होता है, होना भी चाहिए ताकि खबरें सुनने में आपको भी अच्छा लगे। आज की यह खबर एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी पूरी इज्जत एक ऐसे लड़के पर निछावर कर दी जो सिर्फ उसे शादी का झांसा दिया करता था। अब वो लड़की ना घर की रही और ना ही घाट की। ऐसी हालत में जब वो पीड़िता पुलिस थाने में जाती है तो वहां भी उसे धुतकारा जाता है। क्या यही है हमारी पुलिस जो महिला सम्मान की बात करती है? कहाँ है वो महिला सम्मान? कहाँ गई वो इंसानियत? क्यों नहीं लिखी गई उस पीड़िता की फरियाद? ये वो सवाल है जो हर मजलूम पूछना चाहती है। अब क्यों नहीं आती इस महिला के लिए वो सभी महिला संगठन जो महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद करती है? चंद्रपुर जिले के मूल निवासी पीड़ित युवती की उसके स्कूलों के दिनों में एक शख्स से फ्रेंडशिप होती है, जिसके बाद वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। उनका वो प्यार शुरू होता है साल 2012 में। 2012 से प्यार के ये पंछी जिले के कई कोने में अपना परचम लहरा चुके थे। कई बार पीड़िता को वो हवस का पुजारी, जिसका नाम संगम गंभीर है, जो अब किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है, उसने शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार किया। लेकिन संगम गंभीर को जब पीड़िता ने शादी के लिए बोलने लगी तो वो बदल गया। फिर क्या था, पीड़िता ने ठोक दी FIR। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। संगम गंभीर को गिरफ्तार कर भेज दिया कोर्ट। कोर्ट ने हवस के पुजारी संगम गंभीर को जेल में भेज दिया। वो साल था 2018 का। जेल की हवा खाकर जब संगम गंभीर बाहरी दुनिया में कदम रखता है, तब उसे अपने ऊपर चल रहे बलात्कार वाले केस की चिंता सताने लगती है। फिर क्या था, संगम गंभीर ने पीड़िता से फिर एक बार संपर्क किया और लगा अपना दुकड़ा रोने। पीड़िता के सामने फिर उसने शादी का प्रस्ताव रखा और उसे लिखित में भी शादी का आश्वासन दिया। शादी का लिखित आश्वासन देख पीड़िता फिर उस बलात्कारी संगम गंभीर के झांसे में आ गई, जिसके बाद संगम गंभीर का पीड़िता के साथ हम बिस्तर होने का काम शुरू हो गया। पीड़िता इस बात से अनजान थी कि उस संगम गंभीर की शादी किसी और से हो चुकी थी, बावजूद संगम गंभीर पीड़िता से संबंध रख रहा था। जब पीड़िता को उसकी शादी की बात पता चली तो पीड़िता ने फिर एक बार चंद्रपुर के रामनगर पुलिस थाने में जा पहुंची, जहां उसके साथ पुलिस वालों की तरफ से बहुत बुरा बर्ताव किया गया। ना ही उसकी शिकायत ली गई और ना ही उसकी कोई बात सुनी गई। मजबूरन शिकायत ना होने से पीड़िता को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। सर, संगम बापूराव गंभीर सर, वो मुझसे 2012 को सर मुझसे शादी करते बोलकर सर मेरे साथ सब कुछ किया सर। मैं नहीं बोल रही थी, फिर भी सब कुछ किया कर तुझसे ही शादी करूँगा, तुझसे ही शादी करूँगा, ऐसे बोल रहा था सर संगम बापूराव गंभीर सर। और उसके बाद सर वो नहीं बोला 2018 को, तो उसके बाद सर मैं पुलिस स्टेशन में सर गुनाह दाखिल की सर। तो वो जेल चला गया, मतलब वो जेल चला गया सर। वो जेल चले जाने के बाद सर वो छुट्टी आया और सर मुझे बोला सर कि नहीं नहीं तो
उससे ही शादी करूंगा, तू केस वापस ले, तू से ही शादी करूंगा, ऐसे बोला सर। और उसके बाद सर लॉकडाउन की वजह से सर कोर्ट भी बंद हो बंद रहा सर, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, कोर्ट से ही शादी करूंगा ऐसे बोल रहा था सर। और उसके बाद सर हम मतलब उनसे बातें करता था, मिलता था, और पुलिस स्टेशन में सर लिख के भी दिया सर, मैं बोली कि तू नहीं करेगा, तो वो पुलिस स्टेशन में लिख के दिया कि नहीं उससे ही शादी करूंगा, ऐसे लिख के दिया सर। और उसके बाद सर 2021 में सर लॉकडाउन में उसने दूसरी लड़की के साथ सर शादी की सर छुटके, और शादी करने के बाद भी सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ सर। और उसके बाद सर उस शादी करने के बाद सर फिर भी वो मुझसे बातें करता रहा और मिलता रहा सर, मैं क्या करूँ सर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है सर मुझे। और फिर मैं यहाँ पे आई सर कि वो उसने ऐसा ऐसा किया करके सर, और जो ये लोग सर बिल्कुल गुनाह दाखिल नहीं कर रहे सर, मेरी रिपोर्ट नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे सर। पीड़िता के मुताबिक पीड़िता को महिला सेल से रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए भेजा गया था। रामनगर पुलिस थाने में पीड़िता की एंट्री के बाद पुलिस ने उस हवस के पुजारी संगम गंभीर को भी थाने में बुलाया था। पीड़िता के साथ पुलिस ने उसकी शिकायत पर से जांच करने की बजाय उल्टा पुलिस ही पीड़िता को धमकाने पर आमादा हो गई। पीड़िता ने लगाए आरोप के मुताबिक पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं लिखी, उल्टा पीड़िता पर ही 376 के तहत मामला दर्ज करने की धमकी पीड़िता को देने लगे। पुलिस की धमकी की वजह से पीड़िता काफी दहशत में है। पुलिस का यह रवैया आम जनता के लिए हानिकारक है। पुलिस ही इस तरह शिकायत करने आए फरियादी को धमकाने लगे तो आम जनता किससे न्याय की गुहार लगाएगी। चंद्रपुर से सामने आ रहे इस गंभीर मामले में महिला आयोग ने खुद संज्ञान लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की आवश्यकता है। साथ ही इस तरह के धमकी देने वाले पुलिस के उस अधिकारी पर भी पुलिस महानिरीक्षक ने उचित कार्रवाई करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। टीम VL 24 न्यूज़।